हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर फोर एयर। और इसमें हम ऑलरेडी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कर चुके हैं, और नेक्स्ट इसके जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट से। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर होता है आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो आर टू आर या डे टू डे कंडीशंस होती है, उसको बोलते हैं हम वेदर। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा या टीवी में भी सुना होगा कि आज सनी डे है, क्लाउडी डे है, हॉट डे है, कूल डे है। तो ऐसा ये क्या है? ये वेदर है। ये वेदर का वो बताते हैं कि आज हॉट एंड ह्यूमिड डे है, या आज सनी डे है, या आज क्लाउडी डे है। तो ये क्या है? ये वेदर कंडीशंस है। यूजली जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है, बहुत ही इरिटेबल होता है। जैसे हमारे इंडिया में अगस्त सेप्टेम्बर का जो महीना होता है, तो ये क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है इस टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। जो प्लेजेंट और ब्रीजी वेदर होता है, ये बहुत ही चेयरफुल वेदर होता है। तो इस टाइम पे हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो कहीं घूम फिर कर आते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो घूमने का भी मज़ा आता है। तो इन द सेम वे वेदर क्या हो गया? वेदर हो गया डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब जो वेदर कंडीशंस है, वो भी चेंज होती रहती है डे टू डे। अब कभी देखो जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, तो वेदर कंडीशंस चेंज होती है, तो उस अकॉर्डिंग फिर सीजन्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो तो चलो सीजन्स की बात होगी। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती है पिछले 20 सालों में या 30 सालों में, वो होता है उस जगह का क्लाइमेट। अब जो जो भी हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में सुनते हैं, वो क्या होता है? वो डेली वेदर फॉरकास्ट होता है कि आज बारिश होगी या आज मौसम साफ रहेगा, सनी डे होगा। तो वो क्या होता है? वो वेदर फॉरकास्ट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? जो हम फील करते हैं, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हम डेली फील करते हैं रोज सुबह शाम दोपहर को, तो वो क्या होता है? वो एक्चुअल में एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है जो हम फील करते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है, ये भी चेंज होता रहता है। दिन टाइम अलग होता है, रात को अलग होता है। दिन में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रात को कम होता है। इसके अलावा सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जो समर्स होते हैं वो गर्म होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है, थोड़ी सर्दी होती है, ठंड होती है। अब टेम्परेचर को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? वो इफेक्ट करती है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। तो अर्थ पे जो सोलर रेडिएशंस पड़ती है, उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो भी चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ इंसुलेशन की, तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं, तो वैसे वैसे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी कम होती जाती है। इसीलिए जो पोल्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं। और फिर उससे नीचे अगर हम आ जाएं ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक्स पे थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक सा होता है, और इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर सिटीज़ का ज़्यादा होता है, विलेजेस का कम होता है। रीज़न बीइंग के सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, कंक्रीट की बनी होती है, रोड बनी होती है एस्फॉल्ट की, वो क्या करती है? दिन टाइम हीट अब्जॉर्ब करती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और रात को वही हीट रिलीज कर देती है। तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। और सिटीज़ में जो क्राउडेड बिल्डिंग्स होती है, बहुत क्राउडेड एरिया होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, जैसे फ्लैट्स वगैरह वहाँ पर बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें जब वार्म एयर आती है, तो वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, वहीं पर घूमने लग जाती है, जिसकी वजह से जो सिटी का टेम्परेचर है, वो भी राइज हो जाता है। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टेम्परेचर को मेजर करने के? वो है डिग्री सेल्सियस। इसको इन्वेंट करा था एंड्रिज सेल्सियस ने। सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर।
एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर होता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो हवा का वेट पड़ रहा है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। अब देखो अर्थ के सरफेस पे तो हम भी रह रहे हैं, तो इट मींस हमारे ऊपर भी जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर भी एयर प्रेशर पड़ रहा है। तो हमें भी जो एयर है वो फोर्स के साथ हमें प्रेस कर रही है, लेकिन हमें वो प्रेशर फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि जो एयर प्रेशर हम पे पड़ रहा है वो सारी डायरेक्शन में सेम पड़ रहा है, और जो हमारी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमें एयर प्रेशर फील नहीं होता। एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाता है। जैसे हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, तो जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। सी लेवल पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर जैसे हाइट पे जाते हैं डिक्रीज होता जाता है। हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली भी एयर प्रेशर अलग अलग होता है जगह का। अब हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर को जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो है टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टली किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? किसी जगह पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इट मींस के वहाँ पे जो हवा है वो क्या होगी? हल्की होगी। तो हल्की होगी वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि हवा का अगर वेट कम होगा तो वो राइज करेगी। राइज करेगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और जहां पे लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे क्लाउडी स्काई होते हैं और वेट वेदर बन जाता है। ठीक है, वहां पे वेदर कंडीशंस क्या होंगी? क्लाउडी स्काई होएगा और वेट वेदर होगा। और जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है? हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होएगा वहाँ पे तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी ना, तो अब जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे हवा ठंडी होएगी, ठंडी होएगी तो वो हैवी होएगी, हैवी होएगी तो सिंक कर जाएगी, सिंक करेगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। हाई प्रेशर एरिया होगा तो वेदर कंडीशंस क्या होएगी? क्लियर एंड सनी स्काइज। ठीक है, लो प्रेशर एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बात याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। राइट, तो लो प्रेशर एरिया में क्लाउडी स्काई वेट वेदर होगा, हाई प्रेशर एरिया में क्लियर एंड सनी स्काई होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे मून का दे रखा है, मून पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता। वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक स्पेशल स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जो प्रोटेक्टिव स्पेस सूट होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। क्यों? क्योंकि मून पे तो कोई प्रेशर है ही नहीं है। अगर एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो उनकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ही नहीं है। तो हमारी बॉडी को तो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करना है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो है बर्स्ट हो जाएगी और एस्ट्रोनॉट जो है वो ब्लीड करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विंड की। विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और एयर की मूवमेंट हमेशा होती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब जो विंड है, जब विंड चलती है तो अपने साथ ड्राई लीव्स से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों तक उखाड़ लेती है, क्योंकि जब जेंटल विंड ब्लो करेगी तो उस केस में क्या है, ड्राई लीव्स अपने साथ ब्लो करके ले जाएगी, स्मोक, फाइन डस्ट, इन चीजों को वो अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही है, स्टॉर्म आया हुआ है, तो उस केस में बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी विंड जो है वो उखाड़ फेंकती है। इवन के कई बार इतनी तेज विंड चल रही होती है कि विंड के अगेंस्ट चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत विंडी डे होता है, हवा चल रही होती है, तो उस दिन अम्ब्रेला पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, अम्ब्रेला भी उड़ने लग जाता है। तो इस तरह जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है और कुछ नहीं करती। विंड्स का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है उनकी डायरेक्शन से। जिस डायरेक्शन से विंड चलती है उस अकॉर्डिंग उस विंड का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि वेस्ट से कोई विंड ब्लो कर रही है तो उसको बोलेंगे वेस्टर्लीज। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स की। तीन तरह की विंड्स होती है, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। परमानेंट विंड्स कौन सी होती है? जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, ये कौन सी है? परमानेंट विंड्स है। ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है और ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती है। जैसे वेस्टर्लीज है तो वो वेस्ट से ही चलेगी, ईस्टर्लीज ईस्ट से ही चलेगी। तो ये परमानेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती थ्रू आउट द ईयर, ये सेम डायरेक्शन में ही
चलती रहती है, इसीलिए इनको परमानेंट विंड्स बोला जाता है। फिर आती है सेकंड नंबर पे सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स कौन सी होती है? जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है अलग अलग सीजन्स में, सीजन के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि इंडिया में मानसून है, इंडिया में जब मानसून आते हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग होती है, जब वापस जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ विंड्स। फिर थर्ड आती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स होती है कि किसी पर्टिकुलर डे पे या किसी पर्टिकुलर ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एक पर्टिकुलर एरिया में विंड चलती है उसको बोलते हैं लोकल विंड। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो गर्म हवाएं चलती है गर्मियों में, समर्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लू। ठीक है, इंडिया में जो जहाँ आप बोल सकते हो नदरन प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बेसिकली नदरन इंडिया में ही चलती है ये जो लू होती है। तो ये क्या है? ये एक लोकल विंड है, क्योंकि ये एक लोकल एक छोटे से एरिया में ही चलती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है। ठीक है, साल में पूरा साल नहीं चलती है, साल के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलती है, इसको बोलते हैं लू। फिर नीचे दे रखा है साइक्लोन की एक केस स्टडी दे रखी है, उड़ीसा में साइक्लोन आया था। तो ये साइक्लोन आया था अक्टूबर 1999 में। तो ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था 17-18 अक्टूबर को, तो बे ऑफ बंगाल में इसने हिट करा था। तो उसके 10-11 दिन बाद फिर से एक सुपर साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर को, तो उसने फिर ओडिशा की कोस्ट में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अब इसका ये जो जितनी भी तबाही हुई थी उसका मेन रीज़न क्या था? उसके तीन फैक्टर्स थे, एक तो विंड वेलोसिटी बहुत तेज थी, दूसरा बारिश आ रही थी, तीसरा टाइडल सर्ज हो रहा था। तो इसकी वजह से जो ओडिशा है ओडिशा में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। अब जो विंड वेलोसिटी थी ना, विंड्स 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी और ये विंड चली थी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 36 आवर्स तक, तीन दिन तक, ढाई तीन दिन तक ये विंड्स बहुत तेज स्पीड से चली थी। और इसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, उड़ गए, जड़ से ही उखड़ गए, और जो कच्चे घर थे वो भी बिल्कुल तबाह हो गए। इवन के जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी या कुछ और घरों की जो छतें थी वो भी उड़ गई, पावर सप्लाई कट हो गई, टेलीकॉम लाइंस जो थी वो भी कम्प्लीटली कट डाउन हो गई। अब बहुत तेज़ बारिश चलती रही, तीन दिन तक हैवी रेन होती रही, लगातार बारिश हो रही हो रही हो रही, उससे क्या होगा, जो उड़ीसा की मेन रिवर्स थी उनमें फ्लड्स आ गए। फ्लड्स आने की वजह से जो आसपास का एरिया था वो सारा का सारा पानी में डूब गया। ऊपर से अब जो टाइडल वेव्स आई थी वो भी 20 किलोमीटर तक लैंड एरिया में आ गई, तो उसकी वजह से कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। और जो ये टाइडल वेव आई थी ये थी 7-10 मीटर हाई टाइडल वेव थी, और इसकी वजह से वहाँ पे जो पैडी की क्रॉप थी वो भी तबाह हो गई। और ये वाला जो साइक्लोन था ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था गल्फ ऑफ थाईलैंड से, जो कि पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट के पास ही पड़ता है, वहाँ से ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था। और इसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा तबाही मची थी, लाइव स्टॉक तक जो वहाँ की गाय भैंस थी वो भी मर गई उनकी, और जो क्रॉप थी, क्रॉप वेजिटेबल्स फ्रूट्स सारी की सारी तबाह हो गई। साथ ही साथ अब देखो समंदर का पानी लैंड में आ गया। समंदर का पानी क्या होता है? खारा पानी होता है। खारा पानी जब लैंड पे आएगा तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की लैंड थी वो सारी की सारी इनफर्टाइल हो गई सैलिनाइजेशन की वजह से, क्योंकि समंदर का खारा पानी वहाँ पे आ गया था उसकी वजह से। इसके अलावा जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे लाइक साल, टीक, बैम्बू प्लांटेशन, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो वहाँ पे थे पैरादीप कोनार्क से, कोनार्क वाली साइड पे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर लास्ट बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है, अब देखो जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है कंटिन्यूसली। इवेपोरेट कहाँ से होता है? कोई रिवर, पॉन्ड, ओशियन, सी, तो वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो इसके बन जाते हैं वाटर वेपर। तो हवा में जो मॉइस्चर होता है, यही वाटर वेपर, इसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर की ह्यूमिडिटी क्या होती है? बेसिकली हवा में जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होते हैं, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब जब हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे, कि आज बहुत ही ह्यूमिड डे था, क्योंकि हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब जब हवा गर्म होती है, जब गर्म होती है तो उसकी जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें जो वाटर वेपर कैरी करने की कैपेसिटी होती है हवा की, तो उससे वो बढ़ जाती है।
तो उससे क्या होता है, उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। अब हवा गर्म होगी, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर हम बात करें अगस्त सितंबर की, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिड डे में क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते, पसीना आता रहता है और ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन भी उस टाइम पर नहीं होती, और उस केस में बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा हम फील करते हैं। जब वाटर वेपर, वही वाटर वेपर जब राइज करते हैं तो ये ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाटर वेपर ऊपर जाकर ठंडे होकर फिर कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर ये बना देते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स होते क्या है, क्लाउड्स बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स का जो मास होता है उसी को ही क्लाउड्स बोल देते हैं। जब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि हवा में और ज़्यादा फ्लोट नहीं कर पाते, तो उस केस में फिर होती है प्रेसिपिटेशन। अब आपने देखा होगा जो जेट प्लेन उड़ रहा होता है तो वो पीछे एक वाइट ट्रेल सी छोड़ देता है। वो होता क्या है, वो बेसिकली उसके इंजन में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हुआ हुआ होता है। तो वही मॉइस्चर हमें कुछ टाइम तक दिखता है, उसके बाद हवा के साथ वो इधर उधर उड़ जाता है और वो जो वाइट ट्रेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। अब जब प्रेसिपिटेशन होती है लिक्विड फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेन बोलते हैं। तो रेन को ही बेसिकली प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन और रेन बोथ आर वन एंड सेम थिंग। अब जो ग्राउंड वाटर है हमारा, ज़्यादातर ग्राउंड वाटर वो कहाँ से आता है, वो रेन वाटर से ही आता है। जब रेनफॉल होती है तो वहीं से वो नीचे जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे सीप डाउन कर जाता है, तो वहीं से हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है। प्लांट्स जो है वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। हिल साइड पर जो प्लांट्स है वहाँ पर वो वाटर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन हिल साइड से जब हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो जो पानी है पहाड़ों से वो सीधा नीचे बह जाता है और जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म तो तीन तरह की रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेक्शनल, दूसरी होती है ऑरोग्राफिक, तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी होती है, गर्म हवा जब ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बारिश आ जाती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल में जब कोई भी एयर मास पहाड़ों के साथ टकराता है, बादल आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बादल आते हैं पहाड़ों के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे बारिश कर देते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में मिलती है तो वहाँ पे बारिश हो जाती है, या साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रेनफॉल से अर्थ पे फ्रेश वाटर आता है। अगर रेनफॉल कम आएगी तो वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी, ड्रॉट्स पड़ जाएंगे। दूसरी साइड अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लड्स आ जाएंगे। तो बेसिकली बैलेंस में ही सारी चीज़ें सही रहती है। बारिश ज़्यादा होगी तो उसका भी नुकसान है, कम होगी उसका भी नुकसान है। प्रेसिपिटेशन के और कौन कौन से फॉर्म होते हैं, स्नो हो गया, स्लीट हो गया, हेल्स हो गया, जिसको बोलते हैं ओले पड़े हैं। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम करते हैं इसके MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो कौन सी ऐसी गैस है जो हमें हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो है ओजोन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही हम रहते हैं, जितने भी वेदर फिनोमेनाज है वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड्स कौन सी लेयर में नहीं होता, मीजोस्फेयर में बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम एटमोस्फेयर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। वेन द प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, रेन। राइट, सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।